प्यार दोस्त मौसम तो बारिश का है, लेकिन दोस्तों जैसे ही बारिश समाप्त होता है उसके बाद दोस्तों जो गर्मी लगता है और वैसे में दोस्तों हमें फैन की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर से आपका सीलिंग फैन है वो खराब है या फिर कोई भी फैन है वो खराब हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे, चकचक होंगे, झकास होंगे। तो प्यार दोस्त आज हमारे पास एक सीलिंग फैन यहाँ पर हमने रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ चुका है जो काम नहीं कर रहा है, ये हमें किसी ने भेजा हुआ है। तो चलिए फटाफट से इसको खोलते हैं और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा स्टेप बाय स्टेप सिखा देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारा पिलर है इसको हमको खोल लेना है अच्छे से। तो मैंने पहले से नट को खोल कर रखा हुआ था। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये निकल नहीं रहा है, लेकिन निकल जाएगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिन से लगा रहता है। काफ़ी लोग जो टाइट कस देते हैं, टाइट कर देते हैं कि हमारा इसी में जाम हो जाता था। ये हम निकाल करके इसको अलग रख देंगे, क्योंकि अभी मेरे उसका काम नहीं, मेन दोस्तों देखिए काम यहाँ पर है। लेकिन दोस्तों आप ये देखिए, ये एक जो फ़ैन है ये दोस्तों क्या है हमारा, ये चार वायर इसमें बाहर निकला हुआ। आप किसी भी देखेंगे तीन वायर, दोस्तों तीन वायर वाला का कनेक्शन कैसे करना होता है उसका वीडियो हमने अभी अभी अपलोड किया है, जाकर के आप उसे देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों चार वायर है। तो पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें देखिए चार वायर, दो रनिंग बाइंडिंग का होता है टर्मिनल और देखिए दो स्टार्टिंग बाइंडिंग का। तो दोस्तों इसमें से कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, ये बाइंडिंग सही भी है या फिर ख़राब है, तो चलिए फटाफट से इसको हम टेस्ट करके दिखाते हैं कि आखिर इसमें कौन सा बाइंडिंग सही है और कौन सा बाइंडिंग ख़राब है। इसके बाइंडिंग को टेस्ट करने के लिए हम एक सीरीज लैंप का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सीरीज लैंप का एक ही खासियत है, सप्लाई वहाँ पर कनेक्ट कर दिए और जैसे ही दोनों वायर को टच कराएंगे तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये देखो, एक रनिंग बाइंडिंग का दो यहाँ पर टर्मिनल है और दो स्टार्टिंग बाइंडिंग। इसमें दोस्तों अभी कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग, वो हमें पता नहीं, लेकिन हम चेक करके बताते हैं। तो देखिए जो बाइंडिंग दोस्तों अगर से सही होगा तो वो क्या होगा कि देखिए इसमें बल्ब जल जाएगा। तो चलिए पहला देखते हैं, यहाँ पर देखिए ब्लू वाले को हम देख रहे थे, इसमें दोस्तों ये देखिए ये बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है। अब चलिए व्हाइट वाले में लगाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब है कि देखो व्हाइट वाला जो है ये अभी तक हमारा बाइंडिंग सही है, लेकिन एक ये जो ब्लू वाला है वो बाइंडिंग सही नहीं है, ये कहीं ना कहीं से ओपन हो गया है। तो चलिए दोस्तों पहले अब इसको खोलते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट कहाँ पर ओपन हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये दो बाइंडिंग है, एक अंदर वाली, अब देखो हम फिजिकली बता सकते हैं कि जो अंदर वाला होता है वो रनिंग बाइंडिंग होता है, जो बाहर वाला होता है वो स्टार्टिंग बाइंडिंग होता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए ये जो वायर वाला है जो रनिंग बाइंडिंग है वो अपना सही है, लेकिन दोस्तों ये वाला जो है वो ख़राब है, इसका कहीं से ना कहीं ओपन हो चुका है, इसी वजह से हमारा सीरीज कंटिन्यूटी नहीं बता रहा था। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ जला हुआ नज़र आता है। वैसे दोस्तों आपको कैमरा में एग्जैक्ट तो नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करूँ, एग्जैक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहीं पर हमें कुछ जला हुआ दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों पहले इन सबको हम क्या करेंगे, खोलेंगे अच्छे से, ध्यान से थोड़ा, क्योंकि जो हमारा सही है वो ना टूटे, और नहीं तो टूट जाएगा तो वो हमारा ख़राब हो जाएगा। और फिर दोस्तों जहाँ से ये ओपन होगा, ब्रेक किया रहेगा, वहीं से दोस्तों हम क्या करें, इसको वापस से जोड़ देंगे, जिससे कि हमारा ये वाला भी बाइंडिंग सही हो जाए। तो चलिए पहले फॉल्ट ढूंढते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने सीरीज में फिर से चेक करना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखिए ये देखिए दोनों टर्मिनल यहाँ पर है, लेकिन इसमें भी कोई भी कंटिन्यूटी हमें शो नहीं कर रहा है। तो यहीं पर देखिए दोस्तों जहाँ पर था, हम देखिए फॉल्ट अभी ढूंढते हैं, आपको थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैसे हमने इसको लगा दिया, ये देखिए जलना शुरू हुआ, फिर देखिए हटा लिया, फिर देखिए बंद हो गया। फिर यहीं पर लगाते हैं, एक बार आपको लगा के दिखाते हैं। यहीं पर कहीं से वायर दोस्तों देखिए हमारा क्या है, ये ब्रेक हो चुका है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा ये पूरी बाइंडिंग ओपन हो गई थी। अब दोस्तों इसका वायर हम यहाँ पर जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या फिर नहीं हुई है। तो दोस्तों देखिए ये जो बाहर वाली बाइंडिंग है वो एकदम ख़राब हो चुकी है, शॉर्ट हो चुकी है। आप देख भी पाए होंगे कि इसमें जो हम सीरीज लगा रहे थे तो सीरीज का बल्ब अपने फुल ब्राइटनेस पर जल रहा था। तो ये वाले दोस्तों देखिए, अगर से इसे आप बदलना चाहते तो आप बदल भी सकते हैं, नहीं तो सिंपल सा आपको नया फ़ैन तो वो तो ऑप्शन में है ही। लेकिन यहाँ पर मैं दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ से देखिए, यहाँ से वायर को कट करके, और ये देखिए यहाँ से हमने इस इधर, और यहाँ से देखिए दोस्तों हमने इधर का एक वायर ला लिया है, और इसको देखिए सिंपल सा यहाँ पर हम कनेक्ट करके सोल्डिंग कर देंगे अच्छे से। और सोल्डिंग करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर जो वायर है इसको हम सिंपल से इसे कनेक्ट कर देंगे, और ये टर्मिनल हमारा बाहर है ही। तो यहाँ पर हमने इन सबको देखे असेंबल भी कर दिया, यहाँ पर हमने कैपेसिटर भी जोड़ दिया। दो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक रनिंग बाइंडिंग का एक स्टार्टिंग बाइंडिंग कामन करके यहीं से सप्लाई देना पड़ता है, और यहाँ पर देखिए एक रनिंग बाइंडिंग और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग का दो सिरा यहाँ पर बचा होगा। तो आपको सिंपल से इन्हीं दोनों के बीच में कैपेसिटर को कनेक्ट कर देना है, याद रखना कैपेसिटर को कनेक्ट कर देना है। अब चलिए दोस्तों देखिए, एक तो आपको मेन पर लगेगा और एक देखिए यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए कि जो हमारा ये
फ़ैन है वो दोस्तों एकदम बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। दोस्तों ये घूम नहीं रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो इसकी स्टार्टिंग बाइंडिंग है वो दोस्तों पूरी तरह से शॉर्ट है, जो हमने आपको दिखाया भी था शुरुआत में ही। तो दोस्तों देखा था कि इस वाला जो फ़ैन है वो ऑपरेट नहीं हो पाया। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसका स्टार्टिंग बाइंडिंग था वो दोस्तों पूरी तरीके से शॉर्ट था, इसीलिए जो हमारा सीरीज बल्ब था, जो सीरीज लैंप था, वो अपने फुल ब्राइटनेस पर ग्लो कर रहा था। अगर दोस्तों वो सही होता तो वही हमारा बल्ब क्या होता, थोड़ा सा धीमा ग्लो करता, जिससे हमें बाइंडिंग के रेजिस्टेंस का पता चल जाता। तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से सीख पाएंगे। एक चार वायर का कनेक्शन भी इसी तरीके से दोस्तों करना है, अगर से ये बाइंडिंग सही होता तो इसी पर आपको रन कर जाता। तो दोस्तों आपने सीख पाया होगा फोर वायर का कैसे कनेक्शन करना है, थ्री वायर का दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों कूलर का कैसे, कूलर का मोटर कैसे चेक करना है वो भी दोस्तों हमने वीडियो बना रखा है। तो चलिए मिलते हैं इससे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए आज के लिए धन्यवाद।